हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान भर्ती न्यूज बताने वाला हूं, तो देख लीजिए आप। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस चैनल में पूरी न्यूज दी जाती है, कोई भी न्यूज आती है राजस्थान से, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी न्यूज आती है तो देख सकते हो आप। बिल्कुल राजस्थान पटवारी वगैरह, जलदाय विभाग, पटवारी भर्ती, राजस्थान विद्युत विभाग, इन सबसे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो जानते हैं अपन आज की क्या न्यूज है, तो चलते हैं पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे जयपुर फ्रंट पेज में बिल्कुल आया हुआ है ये न्यूज है, तो आप देख सकते हो। और आज का जो दैनिक भास्कर है उसमें देख सकते हो डेट भी, जयपुर रविवार 14 अप्रैल 2019 को बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आ गई है। तो ऑफिशियल जानकारी देख लीजिए आप, सभी भर्तियों से जुड़ी जानकारी इसमें मिलने वाली है आपको। तो किस किस भर्ती से पूरी जानकारी है आपको मैं बता देता हूँ, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो आप, एसीआई भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, प्रधानाध्यापक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, एनटीटी भर्ती परीक्षा, तो देख सकते हो आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक भर्ती, इन सभी से। और स्टेनोग्राफर भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, पुस्तकालय, आरएएस 2018, इन सभी की आप पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पूरी जान लेते हैं अपन क्या जानकारी है इससे जुड़ी, तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोर्ट में भर्तियाँ अटकने का कारण बनी आरक्षण में सरकार लापरवाही। तो देख सकते हो आरक्षण में सरकार लापरवाही, सरकारी लापरवाही देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। आगे देख सकते हो 1.5 साल में 725 पदों की आरएएस भर्ती कोर्ट से नहीं निकली, अब 12,000 पदों की एलडीसी भर्ती भी पसी। तो देख सकते हो एलडीसी आरएएस की जो भर्ती थी 725 पदों की, अब तक तो नहीं निकली और 12,000 पदों की एलडीसी भर्ती और कोर्ट में निकल गई है। तो अब क्या होगा देखना है आपको। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन रिपोर्टर जयपुर, सरकार की लापरवाही के कारण भर्तियों के कोर्ट में अटकने का सिलसिला जारी है। 1.5 साल में से 725 पदों की आरएएस 2016 भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, अब 12,000 से अधिक पदों वाली एलडीसी भर्ती भी हाई कोर्ट में अटक गई है। दोनों भर्तियों के अटकने को लेकर आरक्षण के मामले में सरकार की लापरवाही कारण बना। तो सरकार की जो लापरवाही है उसी का कारण मेन पंडा है सभी जो एलडीसी और आरएएस की भर्ती अटकने का कारण है। एलडीसी भर्ती में सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% फीसदी आरक्षण नहीं दिया था, जबकि एमबीसी यानी कि जो एमबीसी में आते हैं उनको 5% आरक्षण दे दिया था। दोनों ही श्रेणियों में आरक्षण की अधिसूचना एक साथ जारी हुई थी। सरकार की इस लापरवाही के चलते एलडीसी भर्ती कोर्ट में अटक गई। दोनों भर्तियों के अलावा भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की कई भर्तियां अभी अलग अलग कारणों से अटकी हुई है। कई भर्तियों की तो अभी भर्तियाँ नहीं हुई है और जिनकी हो गई है उनका परिणाम अभी अटका हुआ है। पिछले साल में निकली गई भर्तियों में अभी भी 91,193 पदों की भर्तियों का पूरा होने का इंतजार है। तो देख सकते हो इतनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैकेंसी, जो देख सकते हो 91,193 पद हैं, इसकी भर्तियां अटकी हुई है अभी तक। तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि इसको इतनी भर्तियां अटका रखी है आरक्षण की वजह से या किसी और वजह से। बहुत ही कुछ परेशानी आती है, स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनको नौकरी लग पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वो पेपर दे दे के परेशान हो जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है यहाँ पर पूरी जानकारी। आगे क्या है जानकारी, चयन बोर्ड का पक्ष। तो चयन बोर्ड का क्या पक्ष है, एलडीसी भर्ती को लेकर कोर्ट का जो आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। चयन बोर्ड ने जिन भर्तियों की परीक्षा नहीं ली है उन भर्तियों की परीक्षा चुनाव के बाद होगी। डॉक्टर बीएल जाटवत जो अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वही हम पालना करेंगे, जो कोर्ट बोलेगा वही, और जिन भर्तियों की अभी परीक्षा नहीं हुई है वह इलेक्शन के बाद होगी। तो ये बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया है, आप कोई चक्कर में नहीं पड़े कि एग्जाम डेट आ गई है, अभी कोई एग्जाम डेट नहीं आएगी चुनाव से पहले। आगे और क्या जानकारी है, रोक का असर। तो रोक का क्या असर होगा, एलडीसी भर्ती में 36,000 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए योग्य घोषित किया गया था, भर्ती प्रक्रिया पर स्टेज, अब दूसरे चरण की प्रक्रिया अटक गई है, मामला सुलझने के बाद ही दूसरे चरण की परीक्षा होगी। तो देख सकते हो आप, मामला सुलझने के बाद ही अब परीक्षा होगी, पर इन 36,000 बच्चों को ये भी डाउट है कि हमारा कहीं नंबर ना निकल जाए इसमें से, और किसी को ये भी डाउट है कि मेरा नंबर आ जाएगा। तो अब कौन असमंजस में पड़ गए कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, उसका कोचिंग के पैसे लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ये बहुत ही बड़े असमंजस में पड़ गए हैं स्टूडेंट। आगे और क्या जानकारी, आगे जानकारी 33,000 पदों की विश्वविद्यालय शिक्षक सहायक भर्ती। तो देख सकते हो विद्यालय सहायक भर्ती आप देख सकते हो 33,000 की। आगे 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में, वर्ष 2013 में निकली गई विद्यालय सहायक भर्ती 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस भर्ती में 33,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी, सरकार ने 6 सालों में इस भर्ती का मामला सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। 8,000 पदों पर रिसफल परिणाम का इंतजार। तो देख सकते हो 8,000 पदों पर रिसफल परिणाम का इंतजार है।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल वन में 26,000 पदों की भर्ती निकाली गई थी। 8,000 अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। अभ्यर्थी परीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग प्रयास भी कर रहा है लेकिन लिस्ट पर अधिकारी मौन है। तो अभी अधिकारी मौन है यहाँ पर। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जो राजस्थान में पुलिस भर्ती निकली थी उसकी भी अभी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई है, जो कि ये भी गलत कर रहे हैं गवर्नमेंट। उसकी भी निकालनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का मेडिकल करा दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, पर अभी तक उनको वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई है यार। और उसमें क्या है, पद भी बहुत सारे खाली है। तो ये एक अनदेखी की जा रही है, इसको भी बिल्कुल करना चाहिए पूरा। तो आगे और क्या जानकारी आगे है, इन भर्तियों का परिणाम जारी लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं। तो देख सकते हो किस किस भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है क्योंकि अभी तक नियुक्तियां नहीं है। तो पीटीआई भर्ती परीक्षा 2018 4500 पदों पर इनकी प्रतीक्षा और सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, पर इनको अभी कहीं भी नियुक्त नहीं किया गया है। पशुधन सहायक भर्ती 2077 पद, सूचना सहायक भर्ती ये भी देख सकते हो आप 1302 पद। तो बिल्कुल ये जानकारी है। इसके आगे और क्या है, निर्वाचन विभाग ने अनुमति दी लेकिन शिक्षा परिषद में अटकी। तो देख सकते हो निर्वाचन विभाग ने अनुमति दे दी पर शिक्षा परिषदों में अटकी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में रिसेबल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद 5,681 विद्यार्थी चयन किए गए को पोस्टिंग दी जानी थी। निर्वाचन विभाग ने अनुमति दे दी है लेकिन मामला जिला परिषदों में अटका हुआ है। तो आगे और क्या जानकारी है, आगे की जानकारी आप देख लीजिए। परीक्षा तो हो गई मगर परिणाम का इंतजार, कब खत्म होगा भर्ती। एसआई भर्ती 2016, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य की भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, एनटीटी भर्ती परीक्षा, आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग में परीक्षा, ये सब तो न्यूज़पेपर वाले इसका नाम ले देते हैं, पर मैं बात करता हूँ हेल्पर 2 की, उसका भी इसमें नाम लिखा जाना जरूरी है। वो भी एक भर्ती राजस्थान में अटकी हुई है जो कि 2400 पद थे, वो भी काउंट किए जाए और बार बार में उसी को भी निकाला जाए। मैं उनके लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी राजस्थान पत्रिका वाले हैं उन सभी से, इन भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई। तो इन भर्तियों की कौन कौन सी परीक्षा नहीं हुई, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, स्कूल व्याख्याता, पुस्तकालय, आरएएस 2018 1,017 पद, सॉरी प्री का परिणाम जारी, अब मुख्य परीक्षा जून में। तो देख सकते हो जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है जो कि मैंने आपके लिए बता दी है। ऐसी कोई भी न्यूज लेनी आपको तो हम आपके लिए पूरी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहां पर ये पीडीएफ पूरी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली कोई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।